हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू घर पे सीखो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं बनाने जा रही हूँ नारियल और मैंगो का बर्फी। और इसके लिए मैंने ले लिया है एक कच्चा नारियल और थोड़ा सा मलाई इसका इस्तेमाल करेंगे, शुगर इस्तेमाल करेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, आप चाहें तो कच्चे नारियल का जो छिलका होता है उसको निकाल सकते हैं। मैं ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं उसको बेच नहीं होना देना चाहती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है खाने में। तो नारियल के टुकड़े कर लिए हैं और नारियल को हम ग्राइंड कर लेंगे और जो आम है उसका पल्प निकाल लेंगे। उसको पल्प की क्वांटिटी देख के हम आम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें मैंने एक आम इस्तेमाल किया है, मुझे लगा पल्प की क्वांटिटी थोड़ा कम है तो मैं इसमें एक आम और इस्तेमाल कर रही हूँ, मतलब इसका थोड़ा सा कम कर देंगे। अराउंड 1.5 आम का इस्तेमाल कर रही हूँ। शुगर मैंने डाल दिया है जिससे इसे पिस जाएगी। शुगर भी आप अपने हिसाब से, यदि आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप कर सकते हैं। मलाई मैंने डाल दी है अराउंड 1/2 कप और इसको हम मिक्स करके पीस लेंगे सबको अच्छे से। तो मिक्सी में चला देंगे और ये हमारा पिस के तैयार हो जाएगा नारियल और ये मैंगो शेक जैसा हमें बनाना है ना, उस तरीके का ये पिस के तैयार हो जाएगा। एक्चुअली मैंगो शेक नहीं बना रहे बट हमें इसको ग्राइंड करना है। तो देखिए, मैंने ग्राइंड कर दिया है। अब हम इस पिसे हुए मैंगो को डालेंगे कढ़ाई में और इसको थोड़ा चलाएंगे। तो इसको हमें क्या करना है, गरम करना है और हमें जैसे हम बर्फ़ी बनाते हैं ना, सारी बर्फ़ी, इसमें मैंने घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मलाई है तो मलाई में थोड़ा घी तो रहता ही क्वांटिटी में, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको अच्छे से पकाना है हमें जिस तक थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। उसके बाद हम डाल देंगे इसमें किसा हुआ नारियल, आप इसको किस भी सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, नारियल डाल दिया है, हम इसको अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मिठाई जमने तक रेडी ना हो जाए फ्रेंड्स। और इसका जो कलर है ये बहुत प्यारा कलर है मिठाई के लिए। यदि आप चाहें तो इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करना चाहें तो कर लें, बट मैं कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सारी चीज़ें नेचुरल ही रखती हूँ। तो बस हमें इसको लगातार पकाते रहना है जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से मिठाई सेट होने तक ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में तो मैंने थोड़ा स्लो पकाया था, फिर जब फिर ये ना गाढ़ा होने लगा थोड़ा सा मैंने इसको तेज कर दिया था, क्योंकि जिससे कि इसका जो जितना भी पानी है वो निकल के जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं एक ट्रे सेट कर देती हूँ जिसमें मैं ये बर्फ़ी जमाऊँगी। तो ये ट्रे में मैंने थोड़ा सा लाइट जो घी होता है ना वो लगा देंगे। और ये देखिए, अब बर्फ़ी को हम चलाते रहेंगे, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, थोड़ा सा इसको गाढ़ा और करना है जिससे कि ये सेट होने के लिए तैयार हो जाए। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जलना भी नहीं चाहिए और आपकी बर्फ़ी अच्छे से बनना चाहिए। ये देखिए, अब ये सेट हो गया है, अब हम इसको इस ट्रे में फैला देंगे और फैलाने के बाद में इसको सारी जगह से स्मूथनेस कर देंगे। आप हाथ से भी कर सकते हैं और आप चम्मच का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि रेसिपी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए फ्रेंड्स। तो इसको अच्छे से हमें फैला देना है चारों साइड से और फिर इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रखना है फैलाने के बाद में। तो ये देखिए, चलिए अब मैं इसको तो फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद निकालते हैं फ्रिज से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फ्रिज में रखने के बाद अब बर्फ़ी को मैं कट कर रही हूँ। तो कट करने के बाद में हमने पीसेस के कट्स बना दिए हैं और आप इसको ऐसे भी पीसेस निकाल के भी खा सकते हैं या फिर आप इसको लड्डू का शेप देके भी खा सकते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।